के कुछ शब्द वाक्यों में ऐसे आते हैं जिसकी हम अंग्रेजी नहीं बना पाते और वो हमारे लिए कठिन हो जाते हैं। जैसे चाहे, शब्द है चाहे, तो ये आ जाता है अगर, तो हम अंग्रेजी बनाने में थोड़ा सा कठिनाई महसूस करते हैं। फिर देखिए, चाहे उसने जो भी कहा हो, इस प्रकार का सेंटेंस आए, तब चाहे जो हो जाए, तब चाहे जितना भी, चाहे मैंने समझाया फिर भी उसने बात मेरी नहीं सुनी, बशर्ते कि, ये शब्द हिंदी का, बशर्ते कि, कैसे अंग्रेजी बनेगी? तीन तीन अंग्रेजी दी है मैंने इसकी। क्या बूढ़े क्या जवान, क्या रोटी क्या कपड़ा, इतना जितना, इतना कि, फिर मैंने लिया है इवन इफ, अलग से लिया है ये सब। जब वाक्य में चाहे शब्द आए तब अंग्रेजी कैसे बनेगी, कितने तरीके से बनेगी, ये मैंने बताया है। चाहे वह मेरी मदद करे या ना करे, मैं उसकी मदद जरूर करूंगा, ये भावना होनी भी चाहिए। वेदर ही हेल्प्स मी और नॉट, तो वेदर शब्द का प्रयोग होगा और शब्द का प्रयोग होगा। जब अंग्रेजी हिंदी में चाहे शब्द आएगा, चाहे वह मेरी मदद करे या ना करे, एक तरफ चाहे आएगा, एक तरफ या आएगा, तो अंग्रेजी ऐसे बनेगी। वेदर ही हेल्प्स मी और नॉट, आई विल हेल्प हिम, चाहे वो मेरी मदद करे या ना करे, मैं तो उसकी मदद करूंगा। चाहे हम अमीर हों या गरीब, हमें सभी को मरना है। चाहे अमीर हो या गरीब, अमीर ये समझिए क्या, हमें तो मरना ही नहीं, हम तो पैसे वाले, ऐसा नहीं है। सभी को, चाहे अमीर हो या गरीब, सबको एक दिन मरना है। वेदर वी आर रिच, और देखें वेदर और का प्रयोग होगा इसमें, वेदर वी आर रिच और पुअर, वी ऑल मस्ट डाई, इस तरीके से अंग्रेजी बनेगी। We all must die. चाहे हम अमीर हो, अमीर यानी रिच, गरीब यानी पुअर, अंग्रेजी है इसकी। Whether we are rich or poor, we all must die. चाहे उसने जो भी कहा हो, इस तरीके की अंग्रेजी वाक्य तो आप अपने आप बना ही लेंगे इसके आगे का, इतनी अंग्रेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। No matter what he said, चाहे उसने जो भी कहा हो, इस तरीके की अंग्रेजी इस तरीके से बनेगी। नो मैटर वेयर ही वेंट, चाहे वो कहीं भी गया हो, नो मैटर वेयर ही वेंट, चाहे वो कहीं भी गया हो, ये शब्द हम बोलते ही रहते हैं हिंदी में, तो हमें जरूरत पड़ती है अंग्रेजी की। तो यदि हम याद कर सकते हैं तो कर ले, समझना बहुत जरूरी है, समझना याद करने से बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हमें एक बार अगर समझ में आ जाए कोई चीज तो फिर हम भूलते नहीं हैं। अब देखें, वेदर इट रेन्स और स्नो, वेदर इट रेन्स और स्नोज, चाहे बर्फ पड़े चाहे वर्षा हो, कुछ भी हो, यानी चाहे बारिश हो चाहे बर्फ पड़े, बट मुझे तो जाना है, आई हैव टू गो, मुझे जाना है, वेदर इट रेन्स और स्नोज। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस हैं, वेदर वी आर बिहारीज और पंजाबीज, चाहे हम बिहारी हों चाहे हम पंजाबी हों, इस प्रकार के सेंटेंस कैसे बनेंगे ये मैंने बताए हैं, वेदर लगा करके बनेंगे। चाहे हम बिहारी हों चाहे हम पंजाबी हों, वी आर इंडियंस, हम भारतीय हैं। वेदर वी आर बिहारीज और पंजाबी, वी आर इंडियंस आफ्टर ऑल, हम हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं। बिहारी और पंजाबी, चाहे हम बिहारी हों चाहे पंजाबी हों, चाहे जो हो जाए मैं वहां जाऊंगा, इस प्रकार की अंग्रेजी कैसे बनेगी? तो इसके लिए ये याद करना पड़ेगा आपको, कम व्हाट मे, चाहे जो हो जाए, कम
what may. इसकी दूसरी अंग्रेजी क्या है? वट एवर हैपेंस, चाहे जो हो जाए. दो अंग्रेजी है इसकी, चाहे जो हो जाएगी. कम वट मे, वट एवर हैपेंस. आई विल गो, इसके आगे भी हम लगाएंगे आई विल गो, चाहे जो हो जाए मैं वहां जाऊंगा, तो आई विल गो देयर. इस तरीके से सेंटेंस बना लेंगे. दो दो अंग्रेजी मैंने दी है, चाहे जो हो जाए की, चाहे जितना भी, हाउ एवर मच यू ट्राई, तुम कोशिश करो, यू कैन नॉट स्टैंड फर्स्ट, तुम प्रथम नहीं आ सकते, फर्स्ट नहीं आ सकते. हाउ एवर मच, चाहे जितना भी की अंग्रेजी बिल्कुल आप ध्यान कर लेंगे, चाहे जितना भी, हाउ एवर मच यू ट्राई यू कैन नॉट स्टैंड फर्स्ट, तुम प्रथम नहीं आ सकते चाहे कितनी कोशिश कर लो, क्योंकि जो दूसरा लड़का है वो तुमसे बहुत ज्यादा मेहनती है. चाहे मैंने समझाया, चाहे कितना भी समझाया, उसने मेरी बात नहीं सुनी. इसकी अंग्रेजी क्या होगी? यहां पर हर जगह देखें चाहे की अंग्रेजी बदली हुई है. ऑल दो आई एक्सप्लेन्ड, ऑल दो आई एक्सप्लेन, ही डिड नॉट लिसन टू मी, उसने मेरी बात सुनी नहीं, ध्यान ही नहीं दिया. चाहे मैंने कितना भी समझाया लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आया, उसने मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया. ऑल दो आई एक्सप्लेन ए लॉट, यद्यपि मैंने बहुत, इसमें ए लॉट लगा सकती. ऑल दो आई एक्सप्लेन ए लॉट, हालांकि यद्यपि, चाहे मैंने कितना भी समझाया, He did not listen to me. उसने मेरी बात पे ध्यान ही नहीं दिया. अब देखें बशर्ते कि जब हिंदी में आ जाए ये शब्द तो कैसे अंग्रेजी बनेगी. तीन प्रकार से अंग्रेजी बनेगी इसकी. वह प्रथम आ सकता है, वो फर्स्ट आ सकता है, बशर्ते कि वह मेहनत करे. शर्त यह है, बशर्ते कि का अर्थ है शर्त यह है कि वो मेहनत करे. He can get first class. Provided that, इस पर ध्यान दें, ये बशर्ते की अंग्रेजी है. Provided that he works hard. शर्त यह है कि मेहनत करनी पड़ेगी, बशर्ते कि वो मेहनत करे. ये इसकी अंग्रेजी और हिंदी हुई. He can get first class. Provided that. He works hard, provided that, बशर्ते की. अब इसकी बशर्ते की दूसरी अंग्रेजी सुनिए. On the condition that, ये इसकी दूसरी अंग्रेजी. मैं तुम्हें क्षमा कर सकता हूं बशर्ते की तुम इस गलती को दोबारा ना करो. I can excuse you, I can excuse you, मैं तुम्हें क्षमा कर सकता हूं. Can जब लग जाता है तो सकना अर्थ हो जाता है. ऑन द कंडीशन, इस शर्त पर, बशर्ते की, ऑन द कंडीशन दैट यू डू नॉट मेक दिस मिस्टेक अगेन, कि तुम दोबारा ये गलती नहीं करोगे. यू डू नॉट मेक दिस मिस्टेक अगेन, यू डू नॉट कमिट भी आ सकता है, यू डू नॉट कमिट दिस मिस्टेक अगेन, तुम दोबारा ये गलती नहीं करोगे. तुम मुझसे रुपए उधार ले सकते हो, ये तीसरी अंग्रेजी होने जा रही है बशर्ते की. तुम मुझसे रुपए उधार ले सकते हो, बशर्ते कि तुम रुपए समय पर वापस करने का वायदा करो. यू कैन बोरो मनी फ्रॉम मी, बोरो माने उधार लेना, BORROW. यू कैन बोरो मनी फ्रॉम मी, तुम मुझसे पैसे उधार ले सकते हो. सो लॉन्ग है, बशर्ते कि यू प्रॉमिस टू रिटर्न इट इन टाइम, कि तुम मुझे पैसे समय पर वापस कर लोगे. कुछ लोग ऐसे होते कि पैसे ले तो लेंगे मगर देने का नाम नहीं लेते, चाहे 10 बार टोको तब भी नहीं देंगे, और लेते समय ये कहते हैं बिल्कुल बिल्कुल कल परसों में वापस कर दूंगा, और कल परसों उनका सालों तक नहीं आता. यू कैन बोरो मनी फ्रॉम मी सो लॉन्ग एज यू प्रॉमिस टू रिटर्न इट इन टाइम, समय के भीतर. क्या और क्या एक ही सेंटेंस में आए, क्या बूढ़े क्या जवान,
सभी परेशान है। ये वर्तमान की स्थिति असली भी है, क्या बूढ़े क्या जवान सभी परेशान है। वेदर यंग, ये सेंटेंस वेदर से बनी, वेदर यंग और ओल्ड ऑल आर वरीड, ऑल आर सभी चिंतित है, क्या बूढ़े और क्या जवान। वेदर यंग और ओल्ड ऑल आर वरीड, किसी को रोजगार नहीं है, किसी को कोई परेशानी है, किसी को कोई परेशानी है, तो वो सभी परेशान है। क्या रोटी क्या कपड़ा सभी कुछ महंगा है। अब ये तो आप असलियत में देख ही रहे हैं, चाहे जो भी चीज लेने चले जाइए आप, सब चीज महंगी है। वेदर ब्रेड और क्लॉथ, चाहे रोटी हो, ब्रेड माने रोटी, कपड़ा क्लॉथ, एवरीथिंग इज डियर। डियर माने प्यारा भी होता है और डियर माने महंगा भी होता है, एक ही स्पेलिंग है, डी ई ए आर। डियर माने प्यारा, डियर माने महंगा, और डी डबल ई आर माने हिरण होता है। तो थोड़ा सा और उच्चारण एक ही है। वेदर ब्रेड और क्लॉथ, एवरीथिंग इज डियर, सब चीज महंगी है, चाहे वो कपड़ा हो चाहे वो रोटी हो। इतना जितना, किसी सेंटेंस में आए इतना जितना, तब कैसे बनाएंगे उस सेंटेंस को। वह इतना धनी नहीं है जितने आप, ही इज नॉट सो रिच एज यू, ही इज नॉट सो रिच एज यू। सो लगेगा इसमें और एज लगेगा, इस प्रकार के सेंटेंसेस में सो लगेगा और एज लगेगा। इतना कि, ये सेंटेंस में आए तो इतना कि, उसने पार्टी में इतना खाया कि बीमार पड़ गया। कि बीमार पड़ गया, ही एट सो मच इन द पार्टी दैट ही फेल इल। उसने इतना खाया पार्टी में, इतना भर भर के खाया कि बीमार पड़ गया। ही एट, एट ईट की सेकंड फॉर्म है, ई ए टी ईट, एट सेकंड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म है ई ए टी ई एन, ईटन, ईट एट ईटन, एट की स्पेलिंग है ए टी ई। He ate so much in the party that he fell ill. कि वो बीमार पड़ गया। अब आदमी को इतना थोड़ी खाना चाहिए, अरे पेट तो अपना है, माल दूसरे का है तो क्या हुआ। इवन इफ का प्रयोग देखें, इवन इफ माने भी चाहे होता है, इसीलिए मैंने इसको अलग से दिया है, क्योंकि इवन इफ का प्रयोग सीखना जरूरी है। इवन इफ यू कम और नॉट, तुम आओ या मत आओ, चाहे तुम आओ या मत आओ, I will take party, मैं तो पार्टी लेके रहूंगा। There is no treasure like knowledge in the world, संसार में ज्ञान के अलावा और कोई खजाना इतना बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा खजाना है ज्ञान। ज्ञान रखने वाला हर जगह पूजा जाता है, और पैसे रखने वाला कम जगह पूजा जाता है, कुछ ही लोग उसको जानते हैं, ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। ज्ञान रखने वाला हर जगह पूजा जाता है। कैसी लगी मेरी ये वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।